दोस्तों आखिर भगवान जगन्नाथ कौन है और क्या है ये भगवान जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। दोस्तों पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत में उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। यह मंदिर को हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक उत्सव रथ यात्रा प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र यानी बलराम और भगनी सुभद्रा तीनों तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथ में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मध्य काल से ही रथ यात्रा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के बहुत से वैष्णव कृष्ण मंदिर में मनाया जाता है। रथ यात्रा निकाली जाती है और यह मंदिर वैष्णव परंपरा और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह कोडी वैष्णव संप्रदाय के लिए महत्व रखता है। दोस्तों माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बस से अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चट्टानों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र सात नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल का उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में से धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए थे और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को कास्ट यानी लकड़ी की बनाते थे। एक बार माता यशोदा देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी जी उन रानियों को लीला सुनाने के लिए राजी हो गई। कहीं उनकी बातों को कान्हा और बलराम न सुन लें, इसलिए माता देवकी ने बहन सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने के ख्याल को भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक तक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों ही माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हो गया कि यहाँ कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ ही रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मनमोह लेने वाले अवतार को देखने को कहा। वह प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवन नाम के एक वैष्णव राजा थे जिनका राज्य अवंती से मालवा तक फैला हुआ था, जिनकी राजधानी अवंती थी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक यात्रा करने वाले भिक्षु उनके महल में आ पहुंचे। उन्होंने उग्रदेश यानी उड़ीसा के बारे में बताते हुए कहा कि विश्वसु नाम के एक सबर आदिवासी सरदार एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करता है। वे इसके बारे में सटीक स्थान या अन्य जानकारी नहीं दे सके, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु को देखने के लिए बेचैन हो गए। तब वह उग्रदेश का पता लगाने और विश्वसु को खोजने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह नीला माधव की खोज करें। विद्यापति जो पहले ही कई देशों की यात्रा कर चुके थे वो राजा के आदेश अनुसार उग्रदेश की तलाश में निकल पड़े। विद्यापति बड़ी लंबी यात्रा के बाद उग्रदेश में पहुंचे। वह वहां के सबर सरदार विश्वसु से मिले। उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को छुपाते हुए उनसे दोस्ती कर ली। वहां रहते हुए उनकी मुलाकात विश्वसु की सुंदर बेटी ललिता से हुई और जल्दी उन्हें प्यार भी हो गया। फिर उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इसके बाद विद्यापति कुछ दिन अपने ससुराल में रहे। उन्होंने ससुराल में रहते हुए देखा कि विश्वसु आधी रात को बाहर जा रहे हैं फिर अगले दिन लौट रहे हैं। उनके शरीर में चंदन और कस्तूरी की मीठी सुगंध निकल रही थी। विद्यापति ने जब ललिता से इस चीज के बारे में पूछा तो वह पहले तो टाल गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने पिता के निर्देशों के खिलाफ खुलासा किया कि उसके पिता नील माधव की पूजा करने के लिए जंगल में एक गुफा में जाते हैं
विद्यापति इसी चीज का ही तलाश कर रहे थे। उन्हें जानकर बहुत खुशी हुई और वे गुफा का स्थान जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए ताकि वह इसके बारे में राजा इंद्रद्युम्न को बता सकें। फिर उन्होंने ललिता से लगातार अनुरोध किया कि वे नील माधव को दिखाने के लिए गुफा की यात्रा का बंदोबस्त करें। पहले तो ललिता ने यह कहकर मना कर दिया कि यह असंभव है क्योंकि उसके पिता कभी नहीं मानेंगे। हालांकि कुछ झिझक के बाद उसने अपने पिता से इस संबंध में बात की। उसके पिता अपनी बेटी के अनुरोध को मानते हुए अनिच्छा से सहमत हुए। फिर यह निश्चय किया कि विद्यापति विश्वसु के साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे और नील माधव को देखने के बाद उसी तरह से वापस लौट आएंगे। चतुर्विद्यापति ने इस अवसर का लाभ उठाया और गुप्त गुफा के रास्ते को याद रखने के लिए चुपचाप अपनी लंगोट के कोने पर कुछ सरसों के दाने बांध दिए। जैसे जैसे वह गुफा के रास्ते आगे बढ़े वैसे वैसे वह सरसों के दाने गिराते गए। वहां पहुंचकर जब विद्यापति ने नील माधव को देखा तो विद्यापति की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनका लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया था। नील माधव की आराधना में कुछ समय लगाकर वह लौट गए और कुछ समय बाद ललिता से विदा लेते हुए और जल्दी वापस लौटने का वादा किया। इसके बाद विद्यापति अवंती वापस लौट आए और साथ ही उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत दुखी हुआ और अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए और भगवान वापस गुफा में लौट गए। लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास वापस जरूर लौटेंगे और राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि उनके लिए वो एक विशाल मंदिर बनवाए। राजा ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया और भगवान विष्णु से वहाँ विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पूरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को नहीं उठा पा रहे थे। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक अकेले ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वो 21 दिन तक मूर्ति बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे और कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़िचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वह घबरा गई और उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही कुछ लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे के दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें तीन अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन उनकी टांगे नहीं बनी जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विराजमान हैं। दोस्तों अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।